Dear students, welcome back. तो अभी तक हमने आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज से हम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मेटल लिगेंड इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है पहले हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट दो एक टॉपिक है यहाँ पे, जो कि आपको नेट की एग्जाम के लिए या आपके इसके बाद जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने जाएंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, वहाँ आपको इसमें बहुत काम आ जाएंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है आपका स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट. एक तो ये पढ़ना है आपको इसमें. दूसरा इसमें आपका लेवल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अलावा भी टॉपिक है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी जो कि आपको बाद में जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बहुत फायदा होगा. ठीक है, और लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको नेट होगा या गेट में क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है. ठीक है, तो पहले हम तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को देखेंगे क्या होता है उसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जब ये टॉपिक ही हमारा है कि मेटल लिगेंड इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन. ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में इक्विलिब्रिया कैसे बनता है सॉल्यूशन में, और इसके बाद यहां पे इनका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब एक मेटल आयन्स लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, आप एक मेटल आयन लेंगे. ठीक है, इसको जब आप एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, ठीक है, वाटर में लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या बनेंगे, एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेंगे. ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल MH2OX. ठीक है, XX होगा ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू दिस मेटल आयन, और ये इसका मेटल आयन का आपका क्या होगा, चार्ज होंगे. ठीक है, तो ऐसे आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे कि जब आप वाटर वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे एक मेटल आयन का. तो हम इसको देखते हैं, व्हेन ए मेटल आयन in when a metal ion in aqueous solution interacted किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपका लिगेंड के साथ. ठीक है, लिगेंड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब मेटल आयन और लिगेंड इंटरैक्ट करता है तो वहां से जो प्रोडक्ट आता है, आपको जो कॉम्प्लेक्स आता है उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बताते हैं. ठीक है, तो ये लिगेंड कैसे होंगे, या तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है. ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है जिसमें कोई चार्ज ना हो, या आयनिक लिगेंड हो सकता है. ठीक है, आयनिक हो सकता है, और ये जो लिगेंड होगा वो मोनोडेंटेड होगा. ठीक है, मोनोडेंटेड मीन्स कि इसके पास जो डोनर ग्रुप होंगे वो सिर्फ एक होंगे. ठीक है, तो क्या होगा जब आप एक मेटल आयन को एक्वस सॉल्यूशन में एक लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कराएंगे. ठीक है, तो वहां क्या होगा, अभी हमने बताया कि मेटल आयन जब वाटर में चला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, तो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है. जब वो वाला एक्वा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपकी लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका क्या है, मेटल आयन है. ठीक है,
एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे H2O, X होगा और ये ओवरऑल चार्ज होगा N पॉजिटिव। ये क्या है, N वाला मेटल आयन के पे जो चार्ज होगा वो है, और X है, ये X वेरी करता है आपके कॉम्प्लेक्स के हिसाब से जब ये इंटरेक्ट करेंगे आपकी लिगेंड के साथ, ठीक है, आपकी लिगेंड के साथ। तो क्या होगा, तो ये लिगेंड क्या करेंगे, आपकी एक्वा कॉम्प्लेक्स से वाटर को रिप्लेस करके लिगेंड क्या होगा आपके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इंटर होंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मेटल रहेंगे H2O X-1। अगर एक लिगेंड है तो यहां पे X है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, उसके जगह पे क्या होगा, एक लिगेंड आपकी कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे, ऐसे L प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपकी कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ, बाहर चला गया। ऐसा वाटर मॉलिक्यूल आपकी कॉम्प्लेक्स से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, उसकी जगह पे एक आपका लिगेंड क्या हुआ, अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया। तो ये क्या हो गया कि जब एक्वा सॉल्यूशन में लिगेंड जब इंटर करता है तो वाटर मॉलिक्यूल को लिगेंड रिप्लेस करता है, ऐसा आपका इक्वेशन बनता है, ठीक है, इक्विलिब्रा आपका इक्वेशन इस तरह बनता है। अब यहां पे आपका एक्स क्या है, यहां पे एक्स क्या है, एक्स है आपका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपकी जो एक्वस एक्वा कॉम्प्लेक्स में है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एक्वा कॉम्प्लेक्स। इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक्स क्या है, जितना अगर ये 4 होगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऐसे आपका बन जाएंगे। और ये जो एन है, एन क्या है, एन आपका है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, एन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। यहां तक समझ में आप लोगों को समझ में आए होंगे कि क्या हुआ, जब एक एक्वा सॉल्यूशन में मेटल आयन की जब वो इंटरेक्ट करता है आपकी लिगेंड के साथ तो क्या करता है, जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है वहां से लिगेंड जो है वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है, तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम जो डिस्क्राइब करता है वो वाले इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ हम डिस्क्राइब करता है। इसमें एम हमारा मेटल आयन है, H2 हमारा वाटर हुआ, X हो गया हमारा जितना वाटर मॉलिक्यूल होगा उस कॉम्प्लेक्स में, और N प्लस जो चार्ज है वो क्या है, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये N प्लस आयन का चार्ज, मेटल आयन का चार्ज इस साइड भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है कि अगर आपका ये वाला लिगेंड न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा तो ऐसे X-1 L होल पावर N प्लस H2O आपको ऐसे आपका इक्वेशन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कब होगा, अगर ये न्यूट्रल होगा, ये ध्यान में रखना है कि अगर न्यूट्रल होगा तो कैसे आपका इक्वेशन बैलेंस होंगे, और अगर आयनिक लिगेंड होंगे तो कैसे आपका इक्वेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पे बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपका लिगेंड इफ एल इज एन आयनिक लिगेंड, जो पहला वाला इक्वेशन था वो था कि एल अगर आपका न्यूट्रल होगा तो, ठीक है, देन अब इक्विलिब्रियम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, अगर एल लिगेंड जो है आपका आयनिक होगा तो, ठीक है, देन द लिगेंड बाइंडिंग इक्विलिब्रा वुड बी, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, अब ऐसा होगा, देखो ये आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स है MH2O X N प्लस, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब यहां पे L जो है आपका क्या रहेगा, आयनिक रहेगा, यहां पे L माइनस रहेगा, तो यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे या इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपका M हो गया, H2O आपका हो गया, यहां पे X-1 L चार्ज आपका क्या होगा, अब ये जो आयनिक लिगेंड है
इसका चार्ज क्या करेगा, इस मेटल आयन की चार्ज को क्या करनेगा, इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज जो बनेंगे वो आपका N-1 N-1 प्लस आपके क्या रहेंगे, चार्ज रहेंगे जो कि पहले क्या था N+1 था। जितना आपका चार्ज लिगेंड पे होगा वो इस मेटल आयन के साथ क्या होगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे और आपका इसके साथ क्या होगा, H2O यहां से बाहर होंगे। जितना लिगेंड इंटर होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आयनिक लिगेंड की केस में है। पहले हमने न्यूट्रल लिगेंड की केस में देखा, फिर हमने आयनिक लिगेंड की केस में देखा। तो अगर हम जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज में अगर एक हम रिएक्शन को सिंप्लीफाइड जनरलाइज वे में अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर इन अगर हम एक रिएक्शन को जनरल लिखेंगे, सिंप्लीफाइड एंड जनरलाइज्ड वे द कैन बी रिटन इज, अगर हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेटल है, ठीक है, इसके साथ हमारा लिगेंड जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेंगे, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेंगे जनरलाइज्ड वे में। ठीक है, ये लिगेंड कुछ भी हो सकता है, आयनिक हो सकता है, नॉन आयनिक, न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो एक मेटल जब लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करता है तो ऐसे आपके क्या बनेंगे, आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, या आप ऐसे रख सकते हैं। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, यही हमें बाद में क्या करना है, देखना है स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे देखते हैं, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे देखने, आगे हमें हमें वही पढ़ना है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस गिवन बाय, इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बनेंगे, फिर ये जो के एफ से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, के एफ मीन्स फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये जो प्रोडक्ट कितना बनता है ये वाला, ठीक है, ये कैसे हम लिखेंगे, एम एल स्क्वेयर ब्रैकेट में, स्क्वेयर ब्रैकेट क्या होता है, ये इस वाले जो प्रोडक्ट का या इस वाले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को डिनोट करता है स्क्वेयर ब्रैकेट। स्क्वेयर ब्रैकेट क्या करता है, आपकी कंसंट्रेशन को डिनोट करता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन, इसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बी कहते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट बी कहते हैं के एफ को। तो अगर एक जनरलाइज रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन जो कि जब एक मेटल आयन लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारा मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है, उस वाले मेटल कॉम्प्लेक्स का अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा तो क्या होंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट एम एल डिवाइडेड बाय एम एन एल, क्या हो गया, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, ये हो गया आपका एक जनरल रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, या आप एक एक्वा सॉल्यूशन में जब एक लिगेंड इंटरेक्ट करता है मेटल आयन के साथ तो कैसे आपका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट वाला इक्वेशन कैसे बनता है वो देखा। अब हम देखेंगे कि ये एफ है, ठीक है, इस के एफ का वैल्यू, इसको हमने क्या कहा, आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट, के एफ मीन्स आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट, या इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है, एम एल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू आपका एम और एल से, तो उस वक्त क्या होगा, के एफ का वैल्यू आपका ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, कब होगा के एफ का वैल्यू ग्रेटर देन वन, ठीक है, ये होगा इफ लार्ज अमाउंट ऑफ
प्रोडक्ट मींस आपका ml का कंसेंट्रेशन, ठीक है, आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो क्या होगा इफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपका ml इज फॉर्म्ड, देन द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट के एफ वुड बी ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन होगा जब आपका प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू लिगेंड से, उस वक्त आपका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट या स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू का ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपका मेटल और लिगेंड के बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू मेटल और वाटर के बीच में। क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स क्या था, आपका कॉम्प्लेक्स ऐसे था, पहले मेटल और वाटर जुड़ा हुआ था, जब इसमें लिगेंड जुड़ गया तो आपका MH2O X-1 लिगेंड इसमें क्या हो गया, इंटर हो गया। इट मींस क्या है, अगर आपका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इट मींस आपका है कि जो प्रोडक्ट में मेटल और लिगेंड के बीच का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू मेटल और वाटर के बीच में, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा सिचुएशन, ठीक है, सच सिचुएशन विल अराइज, कौन सा सिचुएशन, ये वाला कि आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन वन का होगा। तो क्या होगा, सच सिचुएशन विल अराइज व्हेन द इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, और हम कह सकते हैं मेटल आयन एंड लिगेंड इंट्रैक्टेड स्ट्रॉन्गली एज कंपेयर टू मेटल एंड वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल और लिगेंड जो मेटल के बीच में जो इंट्रैक्शन है उससे ज्यादा इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा आपका मेटल और जो नया लिगेंड आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो इंटर हुआ है उन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन कमजोर होगा एज कंपेयर टू मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। पहला सिचुएशन ये अराइज होता है। दूसरा सिचुएशन यहां क्या अराइज होगा, सिमिलरली आपका के एफ का वैल्यू लेस देन वन भी हो सकता है। इस वाले सिचुएशन में क्या हुआ, आपका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन वन आया। इस वाले सिचुएशन में क्या है, आपका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू लेस देन वन है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इन सच ए सिचुएशन इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज वीकर एज कंपेयर टू मेटल एंड वाटर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि अगर आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू एक वन से यूनिटी से कम होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स बना, आपका ml कॉम्प्लेक्स बना, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कमजोर है एज कंपेयर टू मेटल और वाटर मॉलिक्यूल की बीच से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपका इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू मेटल और H2O के बीच में। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका मेटल और लिगेंड के बीच का इंट्रैक्शन कमजोर होगा एज कंपेयर टू मेटल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो ये सिचुएशन से आपका या तो फॉर्मेशन कांस्टेंट का, इससे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यही केएफ का वैल्यू, ठीक है, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स का
कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है उसका मेजर है, उसका मेजर है इन ए थर्मोडायनामिक सेंस। अब थर्मोडायनामिक सेंस में आपका केएफ का वैल्यू आपको बताता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। मींस क्या होगा, अगर आपका केएफ का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हाईली स्टेबल है, और अगर आपका केएफ का वैल्यू वन से कमजोर है तो आपका क्या है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कमजोर बना है। ठीक है, तो केएफ क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको केएफ याद रखना है। यहाँ पे केएफ क्या है, केएफ को हमने एक कहा, केएफ को हमने एक कहा कि इसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। दोनों टर्म आपका आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, सेम है केएफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, कि एफ का वैल्यू या फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट या स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट आपको बताता है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, कितना स्टेबल है, तो ये जो फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट जो कितना स्टेबल है वो आपका इन ए थर्मो डायनामिक सेंस में है, थर्मोडायनामिक सेंस में। थर्मोडायनामिकली आप बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो थर्मोडायनामिक है, थर्मोडायनामिक सेंस में आपका स्टेबल हो सकता है, यही चीज आपका बाद में अगर काइनेटिक सेंस में देखें तो वहां अलग टर्म यूज करते हैं, वहां वो स्टेबल नहीं हो सकते हैं। अब हम वो देखते हैं कि आपका थर्मोडायनामिक और काइनेटिक टर्म या सेंस क्या है, वहां कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो जब हम स्टेबिलिटी ऑफ की ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स की हम जब बात करते हैं तो क्या होता है, यहां पे टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी आपको देखना होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, या जब आप कॉम्प्लेक्स, अभी हम क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन सॉल्यूशन में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेटल और लिगेंड के बीच में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो जब एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उसकी जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स जब मेटल और लिगेंड आपने क्या किया, मेटल और लिगेंड आपने मिक्स किया, तो यहां से आपको क्या आया, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। तो जब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है या नहीं है, तो यहां दो टू काइंड्स ऑफ स्टेबिलिटीज के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। एक है आपका थर्मो डायनामिक स्टेबिलिटी, दूसरा आपका है काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये दो चीज अलग है, आप लोगों को इनको ध्यान से देखना है कि ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है और काइनेटिक स्टेबिलिटी से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक मीन्स यहां से आपका क्या मिलता है, आपका थर्मो मीन्स ही डायनामिक मीन्स चेंजिंग। तो यहां से थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की जब आप बात करते हैं, यहां आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, यहां आपको द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन कितना हुआ है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपको क्या बताएगा कि एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन की, आप जब मेटल और लिगेंड के बीच में जब आप रिएक्शन करते हैं तो कितना प्रोडक्ट बना है, कितना मेटल और लिगेंड रिएक्ट हुआ है, तो वो वाला इंफॉर्मेशन आपको काइनेटिक स्टेबिलिटी से पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जब आप थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से आप जब डील कर रहा होता है
वहां आपको एक तो एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलेगा, दूसरा यहां पे आपको मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज है, इसके इनके बारे में आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड एनर्जी का कैसे पता चलेगा, आपके एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन जब होंगे, रिएक्शन कब होंगे, जब आपका मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेंगे, जो पुराना ओल्ड बॉन्ड्स होंगे वो टूटेंगे, न्यू बॉन्ड्स आपका फॉर्मेशन होगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से आपको एक एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन पता चलेगा, दूसरा और मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एनर्जीज है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा यहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में आपको थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के से आपको पता चल जाएगा, जो इसमें अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक आपका है स्टेप वाइज, दूसरा है आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये आपका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। एक आपका स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल, और या आप कह सकते हैं या रिएक्शन का प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट, वो वाला इंफॉर्मेशन आपको थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से आपको मिल जाएंगे। दूसरा, जब आप थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की, जब आप रिएक्शन कंप्लेक्स की बात करते हैं, तो यहां आपका कंप्लेक्स स्टेबल है या नहीं है वो आप यहां पे, अगर स्टेबल है तो इसको स्टेबल कहेंगे, अगर स्टेबल नहीं है तो इसको अनस्टेबल करेंगे। स्टेबिलिटी आपका यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल के फॉर्म में आप डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। ये हुआ आपका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी फिर क्या चीज है, काइनेटिक स्टेबिलिटी आपको क्या बताएंगे, काइनेटिक मीन्स हमने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहां से सबसे पहले तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी से, ठीक है। रेट मीन्स द स्पीड, कितने स्पीड से आपका मेटल और लिगेंड रिएक्ट होके आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो सबसे पहले काइनेटिक स्टेबिलिटी से आपको क्या पता चल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, यहां से आपको पता चल जाएगा मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन आपका कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म के बारे में आपको काइनेटिक स्टेबिलिटी से आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपका सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ वो कैसे होता है, ठीक है। यहां फॉर एग्जांपल आपका सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ठीक है, आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ये कैसे होता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म के बारे में आपको काइनेटिक स्टेबिलिटी से पता चल जाएगा, ठीक है। या आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, और आपका या तो पूरा ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको काइनेटिक स्टेबिलिटी से आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या है। मैं ये बाद में जब आप सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, वहां आपको पता चल जाएगा कि ये सब होता कैसा है, ठीक है। लास्ट में जब आप काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहां काइनेटिक स्टेबिलिटी एक कॉम्प्लेक्स की कि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है, यहां पे हमने दो टर्म यूज किया, एक थर्मोडायनामिक में एक स्टेबल किया, अगर आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो स्टेबल कहेंगे, अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है तो अनस्टेबल कहेंगे। यहां अगर आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है तो उसको हम कहते हैं लेबाइल, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो यहां आप इसको इनर्ट कहते हैं, ठीक है। दो टर्म है, डिफरेंट टर्म का, इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के सेंस में आप कॉम्प्लेक्स की स्टेबल है
या नहीं है, स्टेबल और अनस्टेबल यूज करते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं वहां हम कंप्लेक्स को लेबाइल कंप्लेक्स और इनर्ट कंप्लेक्स कहा जाता है। अब ये स्टेबल अनस्टेबल या लेबाइल और इनर्ट कंप्लेक्स क्या है कि अगर एक कंप्लेक्स अपने लिगेंड को जल्दी सब्स्टिट्यूट करता है दूसरे यार किसी रिएक्शन में अपने लिगेंड्स को दूसरे लिगेंड्स के साथ रिप्लेस करता है। सब्स्टिट्यूशन मींस अगर आपका ये वाला लिगेंड है फलाना एक्स यहाँ पे आपका आ जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे एम एल एक्स माइनस वन एक्स ये एक लिगेंड यहां से क्या कर देंगे आपका जो नया लिगेंड होगा वो रिप्लेस कर देंगे। अगर ये रिएक्शन आपका लेस देन वन मिनट में होता है, अगर ये वाला लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपका एक मिनट से कम रिएक्शन टाइम में होता है तो उसको हम लेबाइल कहते हैं। अगर आपका एक मिनट से ज्यादा टाइम लेता है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तो ऐसे रिएक्शन को हम या ऐसे कंप्लेक्स को हम इनर्ट कंप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कंप्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपका टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी है, एक थर्मोडायनेमिक है दूसरा काइनेटिक है। थर्मोडायनेमिक से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है और काइनेटिक से स्टेबिलिटी से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो हमने अभी यहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो वही थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से हमारा जो चीज आता है वो है स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि एक रिएक्शन में कैसे हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं, इसके साथ साथ हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। वो होता क्या है हम देखेंगे। तो एक आपका है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड दूसरा आपका है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है जो हमने पहले डिस्कस किया कि आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ये स्टेप वाइज। स्टेप वाइज में जहां पे आपका रिएक्शन क्या होगा स्टेप वाइज में होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि आपका ओवरऑल होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टेप्स। एक रिएक्शन कितने स्टेप्स में होता है उन सारे स्टेप्स को अगर हम समिशन करते हैं सम अप करते हैं तो आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आएंगे। अगर आपका जो रिएक्शन स्टेप वाइज होता है पहले एक लिगेंड रिप्लेस होगा इसके बाद सेकंड होगा इसके बाद थर्ड होगा इसके बाद फोर होगा इसके बाद फाइव होगा, अगर स्टेप वाइज होता है तो आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बनेंगे। तो स्टेप वाइज को जब हम सम अप करते हैं तो आपका क्या होगा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा जब आपका एक रिएक्शन होता है जब आप इसको हम डिटेल में देखेंगे आपका एक रिएक्शन होता है या आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन प्रोसीड्स बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द लिगेंड्स टू द मेटल आयन। तो हमने लिखा कि आपका द फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्लेक्स इन सॉल्यूशन प्रोसीड्स बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ लिगेंड टू द मेटल आयन कि आपका एक सॉल्यूशन में कंप्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि वहां पे क्या होता है आपका स्टेप वाइज एडिशन होता है लिगेंड का मेटल आयन को। अगर ये मेटल आयन है तो यहाँ पे पहले एक लिगेंड ऐड होंगे फिर दूसरा लिगेंड तीसरा लिगेंड चौथा लिगेंड पांचवा लिगेंड अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो छह लिगेंड ऐसे एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके क्या बनेंगे आपका कॉम्प्लेक्स
बनेंगे, ठीक है। तो आपका हम देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है, दस द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स है हम एम एल एन कहते हैं। एम यहां मेटल आयन है, लिगेंड है एल, और एन है नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द मेटल आयन, ठीक है। मैं सपोज टू टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग एन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स एंड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैन बी रिटन। कैसे हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जैसे कि MLN जब होता है तो हम कह सकते हैं कि वो n नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स को क्या होता है, रिपीट होता है जब तक उसका पूरा लिगेंड क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड से रिप्लेस नहीं होगा, और उनका हम जो फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट है या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है वो कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मेटल आयन है और एक लीगेंड अप है, जब मेटल आयन और लीगेंड क्या होंगे इंटरेक्ट करेंगे तो आपका पहला क्या बनेंगे मेटल लीगेंड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इसको हम K1 लिखेंगे या फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखेंगे, ML बन गया। तो इसका अगर हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, K1 इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाय M कंसेंट्रेशन ऑफ एम एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एल। तो फर्स्ट स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट हम लिखेंगे K1 ML स्क्वायर ब्रैकेट ML डिवाइडेड बाय M इनटू L। ये हो गया पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका ML है, पहला तो रिप्लेस हो गया, पहला लिगेंड आपका मेटल के साथ इंटरेक्ट हो गया। अब ये मेटल आयन मेटल और लिगेंड दूसरे लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपका यहां पे बनेंगे ML2, ठीक है, ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब K2 का फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, आपका ML2 डिवाइडेड बाय ML और L, ये आपका सेकंड स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे, K2 इज इक्वल टू ML2 कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे आप क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप का लिखेंगे। इस तरह आप फिर क्या होगा थर्ड स्टेप होगा, इसके बाद फोर्थ स्टेप होगा, ऑक्टाहाइड्रल में कितना होता है आपका 6 स्टेप होता है, तो ये वाला प्रोसेस रिपीट होंगे। नेक्स्ट में क्या होगा ML3 होंगे, इस तरह ML2 प्लस L होंगे, ठीक है, K3 बनेंगे, फिर यहां पे आपका ML3 बनेंगे। K3 का फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, ML3 डिवाइडेड बाय ML2 और आपका L, इस तरह लिखेंगे। इस तरह प्रोसेस होगा आपका N नंबर ऑफ टाइम, N मींस N आपका जितना टोटल आपका लिगेंड होंगे। तो ओवरऑल आपका अगर MLN-1 होंगे, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स जो आपके कॉम्प्लेक्स में बनेंगे, प्लस लास्ट में L आपका अटैच होके इसको हम लिख सकते हैं KN, ठीक है, KN। तो यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे MLN, N नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम अटैच्ड टू द मेटल आयन। यहां पे फिर कॉन्फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट है KN N नंबर ऑफ टाइम्स, फिर यहां पे आपका MLN कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आपका कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर यहां पे आपका MLN-1 और इसके साथ आपका जो लिगेंड दूसरा लिगेंड जो अटैच होना है, ऐसे आप क्या लिख सकते हैं आपका जो रिएक्शन का स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं MLN MLN-1 L।
ठीक है। तो यहां ऐसे आप एक रिएक्शन का जितना नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होंगे आपके मेटल आयन का, ऐसे आप इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट या आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आप फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, के वन आपका फर्स्ट स्टेप का, के टू, के थ्री एंड सो ऑन एंड देन फाइनली आपका के एन, ये सब आपका क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, आर कॉल इट स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट हम इसको कहते हैं आर कॉल। ये क्योंकि क्या हो रहा है यहां पे, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में एक लिगेंड अटैच हुआ, सेकंड स्टेप में दूसरा लिगेंड, थर्ड में तीसरा, फिर इस तरह फोर फाइव सिक्स एन नंबर ऑफ टाइम एन नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आयन बाय रिपीटेशन ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेप्स। कितना नंबर ऑफ लिगेंड आपका अटैच होंगे उतना नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपका क्या होगा, रिपीट होंगे। तो यहां पे जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इनको हम क्या कहते हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्योंकि आपका रिएक्शन कैसे हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है। ठीक है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे आपकी कंप्लेक्स का स्टेबिलिटी पता चल जाएगा कि आपका कंप्लेक्स कितना स्टेबल है या आपका कंप्लेक्स जो बना है वो कितना अनस्टेबल है। ठीक है, तो अगर आपका रिएक्शन ऐसे स्टेप वाइज में हो रहा होगा उनको हम कहेंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो पता चला स्टेप वाइज फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे हम, अब हम देखेंगे कि ये जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो कैसे लिखेंगे। तो स्टेप वाइज को तो हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है, नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, स्टेप वाइज लिगेंड आपका मेटल के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या होगा, ठीक है, तो हम अगर इस तरह स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे, अगर हम जनरल रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, मेटल है आपका, ये मेटल रिएक्ट कर रहा है एन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ, एन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ। ठीक है, पहले हमने एक एक करके लिखा था, अब हम लिखेंगे, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मेटल जो है एन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करके आपका एम एल एन ये वाला रिएक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है। जब मेटल आयन एन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ इंटरेक्ट होता है तो आपका क्या बन जाता है, एम एल एन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले रिएक्शन को। अब यहां पे जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है हम इसको बीटा से डिनोट करता है, कैसे, बीटा से। बीटा क्या है, आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी हम फॉर्मेशन कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, बीटा एन इज इक्वल टू एम एल एन डिवाइडेड बाय आपका एम एल रेस पावर एन। अब जो ये कॉफिशियंट होता है वो आपका कहां चला जाता है, पावर में चला जाता है, एम एल रेस पावर एन। ऐसे आपका क्या होगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। और ये जो बीटा जो है इसको हम कहते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, या इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो ओवरऑल फॉर्मेशन क्या है, फिर ओवरऑल फॉर्मेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ या समेशन ऑफ द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका बीटा एन है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन टिल KN तक। तो ये वाला रिलेशन आपका स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में एग्जिस्ट करता है कि आपका जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो आपके प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, कि जब आप स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को एक जगह या सम अप करते हैं तो आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको आता है।
ठीक है, तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, ये इसे हमने यहां पे आपको दिखाया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका वैल्यूज क्या होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का। तो हमने ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखा कि बीटा एन इज इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री एंड के फोर एंड सो ऑन टिल के एन। तो क्या होता है इन जो के वन के टू के थ्री वैल्यूज कैसे आपका रिएक्शन में प्रोसीड होता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ एक्सेप्शंस के अलावा हम लिखेंगे विद ए फ्यू एक्सेप्शंस, द इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा अगर हम देखा जाए तो जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि वैल्यू ऑफ द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट आपके के वन के टू के थ्री के एन ये किस ऑर्डर में रहता है। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट विद अ फ्यू एक्सेप्शन इज जनरली ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे जैसे आपका क्या रहता है रिएक्शन प्रोसीड्स होता है तो आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होता है डिक्रीज होता है। तो आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे डिक्रीज होगा, के वन इज ग्रेटर देन के टू, के टू इज ग्रेटर देन के थ्री एंड एंड देन सो ऑन फाइनली आपका के एन। तो आपका रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होता है उस तरह आप उसी के साथ आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का भी वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यू इसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू इसका ट्रेंड कैसा है, कैसे डिक्रीज होगा, ये जनरलाइज फॉर्म में है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, कहीं पे क्या होता है कि आपका के टू ग्रेटर देन के वन होता है, क्यों होता है कि जब आपकी कॉम्प्लेक्स में अनवांटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है तो आपका कभी कभी के टू के वन से बड़ा हो जाता है। लेकिन जो जनरल जो ट्रेंड है उसमें क्या है, के वन इज ग्रेटर देन के टू इज ग्रेटर देन के थ्री एंड सो ऑन टिल के एन। जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है आपका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीज जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीज होता है। ठीक है, आपका एक कॉम्प्लेक्स है एन आई एच टू ओ सिक्स थ्री प्लस। ठीक है, ये निकल का एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है, ये जब आपका एमोनिया के साथ रैक करता है तो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है एन आई एन एच थ्री सिक्स थ्री प्लस। ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स था निकल का एन आई एच टू ओ सिक्स थ्री प्लस, जब ये इंटरेक्ट किया एमोनिया के साथ आपका बना एन आई एन एच थ्री सिक्स थ्री प्लस। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है ये आपका टू मोलर NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट में हुआ एक 30 डिग्री अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस पे। जब ये रिएक्शन हुआ तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिएक्शन है तो यहां पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे चेंज होता है। ठीक है, यहां पे जो पहला स्टेप का वैल्यू जो मिला है आपका वो अराउंड 2.79 के अराउंड मिला। सेकंड जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू फिर डिक्रीज है 2.26। थर्ड पे ये वैल्यू फर्दर डिक्रीज होके 1.69। के फोर का वैल्यू फर्दर डिक्रीज होके 1.25 आता है। के फाइव का वैल्यू फर्दर डिक्रीज होके 1.25 से 0.74 एंड फाइनली के सिक्स आपका ये ऑब्जर्व किया गया 0.03।
तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिएक्शन की स्टेप वाइज रिएक्शन की वैल्यू से हमें पता चलता है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का या फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू जैसे जैसे आपका रिएक्शन क्या होता है प्रोसीड होता जाता है, वैसे वैसे आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या हुआ है यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, K1 का वैल्यू 2.79 और K6 0.03 तक। K6 क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स यहां पे जो रिप्लेस हुआ है वो क्या है, 6 है। 6 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया गया है 6 एमोनिया लिगेंड, तभी यहां पे हेक्साएक्विनिकल कॉम्प्लेक्सेस हेक्साएमिनिकल कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, अब हम रीजन देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू डिक्रीज क्यों हुआ है। ठीक है, क्यों होता है ये फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, रीजन फॉर द ट्रेंड इन फॉर्मेशन कांस्टेंट वैल्यू, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू का जो ट्रेंड है, ट्रेंड जनरली क्या हुआ, इज द रिएक्शन प्रोसीड्स द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट डिक्रीजेस, कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले जो इसका रीजन है वो है आपका इंक्रीजिंग स्टीरिक हिंड्रेंस। आपकी रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका लिगेंड मेटल आयन के साथ अटैच होते जा रहा है उतना स्टीरिक हिंड्रेंस क्या आपका बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग स्टीरिक हिंड्रेंस इज द नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपका मेटल है, पहला एक ही लिगेंड है, ठीक है, आपका ML बन गया, एक लिगेंड है, दूसरा ML प्लस L, ML 2, दो लिगेंड आ गया, ML प्लस L, ML 3। तो जैसे जैसे आपका रिएक्शन स्टेप 1 से स्टेप 2 से 3 4 4 5 एंड फाइनली N तक जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आपका नंबर ऑफ लिगेंड प्रोडक्ट में बढ़ता है, तो उससे आपका जो इनकमिंग लिगेंड है उसके लिए स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा होता है, उसकी वजह से आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसे हमने क्या कहा था, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहा था, तो जितना स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेंगे उतना स्टेबिलिटी भी कम होगा। तो पहला रीजन जो हमारे फॉर्मेशन कांस्टेंट की डिक्रीज होने का ट्रेंड है उसका रीजन है आपका जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है वैसे वैसे आपका स्टीरिक हिंड्रेंस वहां बढ़ता है, तो इसकी वजह से है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका लिगेंड के लिए जो अपॉर्चुनिटीज होता है, ठीक है, वो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है, ठीक है, तो जैसे जैसे लिगेंड ऐड होता जाएगा तो उतना दूसरे इनकमिंग लिगेंड के लिए जो स्पेस होगा वो क्या है, कम होता जा रहा है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं स्टेटिस्टिकल फैक्टर्स related to number of opportunities for reaction। जो number of opportunities है, number of sites है, जैसे जैसे ligand attach होता जाता है उतना opportunity कम होता जाता है incoming ligands के लिए, तो उसकी वजह से आपका formation constant का value क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर, अगर आपका लिगेंड चार्जड होगा, ठीक है, आयनिक होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर कम इंस टू प्ले,
वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर प्ले करता है, रोल प्ले करता है, उस वजह से आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके कॉम्प्लेक्स में ऐड होता जाता है, उतना आपका अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर वहां रोल प्ले करता है। तो उसी वजह से आपका जो ट्रेंड है, जे के वन इज ग्रेटर देन के टू इज ग्रेटर देन के थ्री एंड सो ऑन टिल के एन, तो ये वाला ट्रेंड का रीजन यही है, जो पहला रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस का है, दूसरा है आपका नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डायरेक्शन, एंड थर्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर व्हेन चार्ज लिगेंड्स आर इन्वॉल्वड। तो ये है आपके जो हमने ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट का उनका कैसे वैल्यूज आपका चेंज होता है। ठीक है, तो एक चीज और आपको यहाँ पे बताते चलूं कि जो आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू है उनको हम लॉग एज ए लॉग वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे का आपका बी एन था, इसको हमने के वन प्लस के टू प्लस के थ्री एंड सो ऑन टिल के एन, इसको हम ऐसे भी लॉगरिथम फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लॉग बी एन इज इक्वल टू log 10 k1 प्लस log 10 k2, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको log फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, n डैश 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 log kn, जब आपको किसी भी जगह पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे तो उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको पहले लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करें, फिर इससे आपको आसानी से सॉल्व करने में आसानी होंगे, आसानी से आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप वाइज या ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट। अब लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पे, वो हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, वो हम देखेंगे क्या रिलेशन है आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, या हम उसको प्रूव करेंगे कि आपका जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो है आपका समेशन ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बराबर। तो हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बी एन, बी एन बीटा एन क्या है यहां पे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, जो कि आपका के वन के टू डैश 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 आपका के एन है। देखते हैं अब इन दोनों में रिलेशन क्या है आपका बीटा एन, बीटा एन मीन्स आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एन के वन के टू एन डैश डैश के एन इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं एक फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉर्मेशन कांस्टेंट देखा, लेट्स टेक द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट जैसे कि हमने लिखा था कि ये बीटा एन इज इक्वल टू एम एल एन डिवाइडेड बाय एम एन एल रेस पर एन, ये हमारा क्या था ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू था, बीटा एन इज इक्वल टू एम एल एन डिवाइडेड बाय एम इंटू एन रेस पर एन। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है एम एल एम एल टू से, एम एल वन एंड एम एल टू से आपको बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद एंड रीअरेंज करना है, एंड रीअरेंजिंग वी गेट, इसको रीअरेंज करना है फिर हमें क्या मिलता है हम देखेंगे। ठीक है, तो बीटा अगर हम इसको इसको आप थ्री स्टेप रिएक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है, लेट्स टेक ए फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर ए थ्री
स्टेप रिएक्शन। तो यहां पे क्या आएंगे, आपका तीन आएंगे, यहां आपका फिर थ्री होगा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं थ्री स्टेप रिएक्शन के लिए। तो बीटा थ्री इज इक्वल टू ये आपका एम एल थ्री डिवाइडेड बाय एम एंड एल रेस पावर थ्री, ठीक है, ये बाहर है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एम एल एम एल टू डिवाइडेड बाय एम एल एम एल टू से, ठीक है। यहां तक तो हमने कहा ऑन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एम एल एम एल टू एंड रीअरेंजिंग वी गेट। अब ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसको रीअरेंज जब आप इसको करेंगे बी थ्री इज इक्वल टू, ठीक है, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ऐसा एक इक्वेशन मिलेंगे एम एल डिवाइडेड बाय एम एल, ठीक है, इसी के साथ आपका एम एल टू डिवाइडेड बाय एम एम एल इंटू एल एंड एम एल थ्री डिवाइडेड बाय एम एल टू एंड एल। ऐसा आपको एक इक्वेशन मिलेंगे जब आप इस ऊपर वाले इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको फिर क्या पता चला, एम एल एम एल एम एल डिवाइडेड बाय एम इंटू एल, तो ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है, ये आपका बराबर है के वन का, सिंगल है। तो यहां पे फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या मिलेंगे आपको, के वन इंटू एम एल टू डिवाइड बाय एम एल इंटू एल, ये आपका है के थ्री के बराबर है, एम एल थ्री डिवाइडेड बाय एम एल टू इंटू एल, ये आपका ये के टू, ये आपका के थ्री के बराबर। तो थ्री स्टेप रिएक्शन के लिए हमने हमें यहां से पता चलता है कि जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है आपका बीटा एन और आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच में, ठीक है, बीच में। तो अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये आपका बराबर आ रहा है बीटा थ्री इज इक्वल टू के वन के टू एंड के थ्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर हम एन नंबर के लिए कहेंगे, ये तो हमने थ्री स्टेप्स के लिए हमने लिखा है दस फॉर एन स्टेप रिएक्शन, ये हमने थ्री स्टेप रिएक्शन के लिए लिखा, ठीक है। एन स्टेप रिएक्शन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहां पे बीटा थ्री की जगह बीटा एन होंगे, ठीक है, एम एल ऐसे ही रहेंगे, फर्स्ट स्टेप एम इंटू एल, ठीक है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह आपका सेकंड भी क्या होगा, एम एल टू डिवाइडेड बाय एम एल इंटू एल, ये भी रहेंगे, फिर डैश डैश डैश, फाइनली आपका क्या होगा एम एल एन, ठीक है। ये क्योंकि हम ये किसके लिए कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए, या टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितना आपको करना है उसके लिए हम जनरलाइज आपका एक इक्वेशन बना रहा है, एम एल एन डिवाइडेड बाय, यहां पे होगा एम एल एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एल, ये आपका क्या होगा एक एन नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए जनरलाइज इक्वेशन होगा कि एन नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए क्या रिलेशन बनता है बिटवीन बी बी एन एंड देन यहां पे क्या होगा बी एन इज इक्वल टू के वन के टू एंड सो ऑन डैश के एन, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ स्टेप के लिए ये रिलेशन आपको एग्जिस्ट करता है बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू एन इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू वन से लेके एन इज इक्वल टू एन मीन एन नंबर ऑफ स्टेप जो भी आपने यहां पे प्रपोज किया गया है, ठीक है, के एन। तो ये क्या है,
कि रिलेशनशिप बिटवीन बीटा ओवरऑल फॉर्मेशन एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, आपको क्या मिलता है कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ के एन मीन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है कि आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, जितना नंबर ऑफ स्टेप्स आपके रिएक्शन में लगता है उनको जब आप समेशन करता है, सम अप करता है, तो वहां से आपको क्या मिलता है, आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट मिलता है। फॉर्मेशन कांस्टेंट मींस आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट मींस मेजर ऑफ, इट्स अ मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपका मेटल और लिगेंड जब मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स बनता है कि वो कितना स्टेबल बनता है, उसका आपको क्या मिलता है, एक इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने इस चैप्टर में ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट आप आज की इस क्लास में देखा, जिसमें हमने देखा कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे देखते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे देखते हैं। फिर हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक सेंस में स्टेबिलिटी की, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है। फिर हमने रिलेशन देखा बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो आज की क्लास में यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।